की उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 को आज सदन में विचार कर रहे हैं। ये संशोधन विधेयक 1961 के राजस्थान के अधिनियम संख्या 38 की एक नई धारा 17 क जोड़ने के लिए लाया है। ये नई धारा जो हमारी मंडी समिति के लाइसेंसी है और उसके अधीन जो मंडी है, उपमंडी है, उनके लाइसेंसी है और कोई भी नॉन नोटिफाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट खरीदे या बेचे जाएंगे, इस पर मंडी समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से यूजर चार्ज लेने के लिए ये संशोधन लाया है। यूजर चार्ज लगने से मंडी समिति में बिकने वाले हमारे जो दैनिक उपयोग में आते हैं, चाहे फल सब्जी हो, अनाज हो, दालें हो, चावल हो, मसाले हो, तेल हो, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, वो सारे महंगे हो जाएंगे। सरकार एक तरफ तो महंगाई के खिलाफ अपना रोना रो रही है और आज आम आदमी के ऊपर ये बोझ डालने का काम कर रही है और काला कानून ला रही है। संख्या बल के आधार पर आप बिल पास तो करा लेंगे पर राजस्थान का किसान और राजस्थान का आम आदमी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। इस बिल को लाने से न केवल आम आदमी बल्कि मंडी के व्यापारी, आढ़ती, इनको भी नुकसान होगा। सरकार इस संशोधन के द्वारा यूजर चार्ज लगाने के पीछे कारण बता रही है, वो एक बड़ा हास्यपद है और बता रही है, जो तर्क दिया है कि किसान कल्याण फीस में काफ़ी कमी आ रही है, इसके लिए हम ये संशोधन लेकर आए हैं। माननीय राठौड़ साहब ने काफ़ी आंकड़े भी दिए, मैं आपका ध्यान मेरा क्षेत्र चाहे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान में रायड़ा पैदा होता है, अरंडी, मूंगफली, उसके ऊपर 1% मंडी टैक्स है और 50% कृषि कल्याण शुल्क है, और जबकि इसकी अगर गुजरात से तुलना करें तो 1.5% की जगह मात्र 0.60 ही गुजरात में टैक्स लगता है। और राजस्थान के अंदर जो जीरा, इसबगुल, मक्का, बाजरा, ज्वार पर मंडी टैक्स 0.50% है और 50% कृषक कल्याण शुल्क है। अगर इसकी तुलना गुजरात से करें तो मात्र 0.60% गुजरात में मंडी टैक्स है। राजस्थान के अंदर गेहूं बहुत होता है, गेहूं, मूंग, ग्वार की उपज पर 1.6% मंडी शुल्क है और 0.50% कृषि कल्याण शुल्क है, जबकि गुजरात में 0.6 है, 2% टैक्स आप ज़्यादा ले रहे हो। या हमारी जो सीमा है वो गुजरात से लगती है और आपका ये टैक्स होने के कारण सीमावर्ती जिले में जो जितनी भी मंडी है सारे व्यापारी परेशान है और आप इसके ऊपर और यूजर चार्ज 0.50% लगाने जा रहे हो। ऐसी स्थिति में गुजरात से लगती हुई सारी मंडियां बंद हो जाएगी, इसलिए इस यूजर चार्ज लगाने से पहले हमको सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, जब बजट से पहले भी सरकार ने यूजर चार्ज लगाने के लिए एक प्रस्ताव लाया था और मंडी के व्यापारी और आढ़तियों ने इसका विरोध किया और मंडियों में हड़ताल भी रही, सरकार ने झूठा आश्वासन देकर व्यापारियों को चुप करा लिया, पर ये संशोधन विधेयक लाकर आप व्यापारी और किसान के साथ में बहुत बड़ा धोखा और सलावा कर रहे हो। मैं इस संशोधन विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिए 6 माह परिचालित करने की मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।